ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੌਰਵ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਥੰਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਮੇਂ ਹੈ, ਆਪ ਕੈਸੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ, ਕਿਆ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਕਾ, ਕਿਉਂ ਕਾਰਨ ਬਣੇ? ਆਪਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਂ ਹੀ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੇ ਮੌਕੇ ਸੇ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਓ ਕਾ ਦੌਰ ਔਰ ਇਹ ਬਢਤਾ ਰਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਂ ਨਾ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬੜੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਦੇਸ਼ अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है, ये भी एक सच है। लेकिन दूसरा सच ये है कि उसके बाद कृषि हरी क्रांति के भी जितने भी लाभ होने थे एक तरह से वो मुक गए और उसके बाद उसको बल्कि सस्टेन करना, बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया। और उसका मुख्य कारण ये है कि उसमें ना इनपुट ज़्यादा, जो लागत जिसको हम कहते हैं, और जो रिटर्न है, आमदनी जो है, वो कम होती गई। लागत बढ़ी और वो कम होती गई, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा खर्चा बढ़ा। और ये वो भी दौर है हरी क्रांति वाला, जिसमें हमारे ये जो उत्तर हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान के हिस्से हैं, उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं, इन इलाकों के अंदर एक तरह से सरमाएदारी की एंट्री कृषि क्षेत्र के अंदर हुई। और आज हम जिस कारपोरेट के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं तीन कानूनों वाली, असल में ये कारपोरेट काफ़ी हद तक पहले भी खेती क्षेत्र के अंदर हस्तक्षेप कर चुका। हमारे यहाँ खाद है, बीज है, दवाइयाँ हैं, इन बातों को लेके पहले भी कारपोरेट सेक्टर काफ़ी हद तक उसमें प्रवेश कर चुका है। और अब वो मुकम्मल तौर पे कृषि क्षेत्र के अंदर, ख़ास तौर पे जो कृषि का व्यापार है, उसको पूरे तौर पर अपने हाथ में लेना चाहता है। तो जिस संकट का हल करने की ज़रूरत थी, उसके लिए हमारे जो बड़ी बड़ी जत्थेबंदियां हमारे देश के अंदर हैं जितनी भी, वो तमाम जत्थेबंदियां एक लड़ाई जो है वो कर रहे थे, जिसके अंदर दो मुख्य मांगे थी। एक थी कर्जा मुक्ति की और दूसरी मांग थी कि स्वामीनाथन आयोग के अनुसार हमारे जो कृषि के दाम हैं वो डेढ़ गुना खर्चे से डेढ़ गुना ज़्यादा उसके रिटर्न होने चाहिए। ये दूसरी मांग थी और वो डेढ़ गुना का मतलब ये था, एक C2 का फार्मूला है, उसके अनुसार उसको डेढ़ गुना आप कर दें। C2 का फार्मूला है जिसके अनुसार तमाम जो खर्चे हैं वो जोड़ दिए जाते हैं, जिसमें ज़मीन का किराया भी, हम जो हिस्से उस पे जो ठेके पे खेती देते हैं दूसरे किसान को, तो वो जितना भी है 50,000 है, 60,000 है, 40,000 है साल का, उतना उसके अंदर जोड़ा जाए खर्चे के अंदर, क्योंकि वरना वो भी तो आमदनी आनी। इन दो बातों के लिए लेके लड़ रहे थे और बड़ा प्लेटफॉर्म बना था। अब जो संसद चल रही है जंतर मंतर पे, इसी प्रकार की संसद 2018 में चली थी और उसके अंदर ये दो बिल पास किए थे और दोनों बिल राज्यसभा और लोकसभा में जमा है आज तक भी, उन पे आज तक बहस ही नहीं हुई। और ये मांग की गई थी कि एक जो सेशन है लोकसभा और राज्यसभा का, केवल केवल कृषि संकट के ऊपर बात करने के लिए और किसानों की जो दशा है उसके लिए रखा जाना चाहिए। लेकिन उस पे बात होने की बजाय ये तो बिल्कुल ही मामला पलट गया और ये जो तीन कानून आ गए और उसके बाद जो दूसरी दिक्कतें पैदा हो गई MS की और बिजली बिल की, उसकी वजह से ये आंदोलन छेड़ना पड़ा। क्योंकि ये तो जड़ से ही खत्म हो जाएगा, वरना बचेगा ही नहीं रोजी रोटी। और भारत जैसे देश में जहाँ इतनी बड़ी जनता कृषि के ऊपर निर्भर है, वहाँ इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो इस बिंदु के ऊपर हमारे देश की जनता, चाहे वो किसानी और चाहे गैर किसानी है, एक तरफ उसके हित और दूसरी तरफ ये सरकार और उसका कारपोरेट, उनके हितों के बीच में एक टकराहट है बुनियादी तौर पे, जो इस आंदोलन के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है।
जी आपने तुसी दस्या जिवें खेती संकट का तुसी व्याख्या की विश्लेषण किया बहुत चंगी तरह, पर जे आप देखिए तो सरकार की की जिम्मेवारी बनती है, जो सरकार लोगों वास्ते होनी चाहिए, लोगों की चुनी सरकार आ वो कारपोरेट्स के हक के पहला भी भुगत रही थी पर हुण वड्डे म्यार ते भुगत रही है, हुण खुल के उन्हां दे जिहड़े हक आ उन्हां दे विच खड़ी आ। तुसी सरकार दा रवैया किवें देखदे हो? बड़ा जो फर्क आया है इस दौरान असी वेख रहे हाँ, वो वड्डा फर्क ये है कि मोदी सरकार जेड़ी है ना, ये आज तक की आजादी के बाद हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा खुल के कारपोरेट के लिए काम करने वाली सरकार है और सबसे ज्यादा किसान विरोधी सरकार है। अब जो है, जो चीज हमें पहले समझाने में बहुत देर लगती थी, अब इस आंदोलन के बाद आम जो आदमी है वो भी ये जानता है कि अडानी अंबानी की सरकार है, उसके मुंह से भी आम औरत जो भी आप बैठे हैं या गांव में चले जाओ वो भी ये बात बता देंगे। तो इसका जो चेहरा है वो मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया। तो ये कोई सरकार का काम नहीं है जिस तरीके से वो कर रहे हैं, और कहीं भी मैं आपको कहना चाहता हूँ इनके अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहीं पर भी नहीं लिख रखी इस किस्म की बातें करेंगे। अब बताओ, हम हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी के जो नेता लोग हैं उनके खिलाफ काले झंडे दिखाते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार लोगों ने कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि उन्होंने कभी भी चुनाव से पहले ये नहीं कहा था कि वो इस प्रकार के कदम उठाएंगे। तो बड़ा सवाल जो इस आंदोलन के साथ जुड़ गया है तीन कानूनों के अलावा, वो बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश में जमहूरियत, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि निर्णय जो तीन कानूनों को पास करने की प्रक्रिया है वो मुकम्मल तौर पर एक तरफा है, निरंकुशता पर आधारित है। कहीं पर आप देखिए, राज्यसभा में बकायदा सांसदों ने ये कहा इसके ऊपर मत विभाजन करवाना चाहते हैं, और कानून ये है कि एक सांसद भी अगर मत विभाजन करवाने की मांग करे अपनी कुर्सी पे खड़ा होके तो स्पीकर के सामने कोई चारा नहीं, उसको करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सांसदों ने कहा और उन्होंने मत विभाजन नहीं करवाया, जबकि सच्चाई है कि राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं था। अगर वो मत विभाजन करवाते तो ये कानून पास भी होने वाले नहीं थे। तो जो लोकतंत्र का रहना या नहीं रहना ये भी इस आंदोलन के साथ जुड़ गया, और ये जनता के जो अन्य तबके हैं उनके लिए भी उतना ही निर्णायक है। इसलिए हम कह रहे हैं लड़ाई केवल किसान की नहीं है बल्कि पूरे देश की जनता की है, और उनको इसके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। और खुशी की बात यह है कि बहुत बड़े तबकों की हमदर्दी इस किसान आंदोलन के साथ है आज। तुसी सवाल किया जी कि लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, ये होर कई गल्लां निकल के आउंदियां। तुसी दस्या हरियाणा दे विच बीजेपी ते जेजेपी दे जिहड़े संसद आ उन्हां जां आगू ने उन्हां नूं काले झंडे दिखाए जांदे आ, विरोध कर रहे आ, जो कि किसानां दा जां आम लोकां दा हक है, चुनी हुई सरकार है विरोध करन दा। तुसी इस चीज़ नूं किवें देखदे हो? विरोध करन वालियां नूं देश द्रोह दे परचे दर्ज हो रहे आ, पत्रकारां उत्ते देश द्रोह दे परचे दर्ज हो रहे हैं, जे कोई अखबार सच छाप रहा है उहदे उत्ते टीडी दे छापे वज रहे हैं, इस सारे चीज नूं तुसी किवें मुलांकन कर रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ उस बात की ना आगे इससे पुष्टि होती है कि चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, चाहे वो आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। अभी वो जो फादर स्टैन स्वामी जिनकी इतनी दर्दनाक मौत हुई है, बहुत ही निंदनीय है, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि न्यायपालिका भी समय के ऊपर जो है उनकी जान बचाने के लिए आई नहीं, वरना तो स्वास्थ्य के आधार पे उनकी जमानत की याचिका लगाई गई थी। तो ये एकमात्र घटना केवल एक आदमी के जान चले जाने की नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और जो हरियाणा के अंदर भी आप कह रहे हो, हजारों हजार लोगों के ऊपर, हम ये देखो, हम साफ तौर पर कहते हैं कि हमारा पुर अमन हमें रखना है, शांतिपूर्वक रखना है, कोई भी हमारा साथी किसी भी प्रकार की हिंसा की गतिविधि ना करे, यही हमारे आंदोलन की बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं पर कोई छोटी मोटी घटना हुई है, हम ये कहना चाहते हैं उसकी जांच करवा लो कि वास्तव में वो किसने की है। ये नहीं होना चाहिए कि तुरंत आप उठा के मतलब एक देशद्रोह का केस बना देंगे या आप 307 के पर्चे लगा देंगे। मतलब एक जगह एक आदमी एमएलए की कार के आगे लेट गया, उसके ऊपर 307 का पर्चा लगा दिया, मतलब हत्या की प्रयास करने का।
अब बताइए उसके आगे लेटने से कैसे, उसमें आत्महत्या का तो आप बना सकते हो, हत्या की कोशिश नहीं बना सकते हो। ये मजाक उड़ रहा है कानून का बहुत बड़ा। तो निश्चित रूप से जो आप बता रहे हैं वो एक तानाशाही की तरफ देश बढ़ रहा है, और कुछ लोगों ने जिसको कहते हम दो हमारे दो, मतलब मोदी और उनके गृह मंत्री और अडानी और अंबानी, उनकी सरकार बन के एक तरीके से रह गई है। तो देश को तानाशाही थोपे जाने से बचाना बहुत जरूरी हो गया है, और ये कोविड की जो समस्या थी इसको भी इन्होंने राजनीतिक रूप आर्थिक रूप से बुनाया है, जिसको ये मतलब आपदा को अवसर में बदलने की बात कहते थे, वास्तव में वो भी करिश्मा इन्होंने करके दिखा दिया आपदा को अवसर में बदलने का। और आज इतने बड़े पैमाने के ऊपर बेरोजगारी हो गई है, अभी आए हुए थे कि हमारे पूरे हिंदुस्तान का जो औसत बेरोजगारी है उसमें हरियाणा जैसे तीन प्रांत ऐसे हैं जहां पर तीन गुना ज्यादा है राष्ट्रीय औसत से बेरोजगारी, उनके ऊपर चिंता करने की जरूरत है आज, ना कि आप लोगों के साथ प्रतिशोध करने लगे, उनसे खुंदक निकालने लगे। तो ये एक सिचुएशन जरूर है, बड़ी चुनौती की तरह से है ये बात हमारे सामने, आप ठीक कह रहे हैं जी। शुक्रिया। सो इस सन इंद्रजीत सिंह अखिल भारतीय किसान सभा तो कृषि विज्ञानी भी ने, जिन्होंने दस्या कि जिहड़ा खेती का एक लंबे दौर का संकट है वह कारपोरेट्स की जिहड़ी शमूलियत है सरकार नाल मिलके चल रही है उसके कारण जिहड़े गहरे संकट के विच खेती चल रही सी ते अज भी कारण उहदा उही बनया होया। तुसीं जुड़े रहो संग्राम टीवी दे नाल, मैं हां गौरव, धन्नवाद।